हेलो, दिस इज़ रवि कुमार चौहान और आज आ गए हैं हम दूसरे वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राफिकल तरीके से किस तरीके से स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला जाता है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको समझाया था कि फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने में। तो सिंपली वे में मैं आपको ये बता देता हूं कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है ग्राफ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ में परपेंडिकुलर लाइन देखनी है और बेस वाली लाइन देखनी है। अब सवाल ये है कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है। तो 90 डिग्री वाली लाइन जो होगी एक ऐसी होगी, नीचे ऐसे लाइन, उसके ऊपर जो ऐसे 90 डिग्री वाली लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो वो आपको देखनी है कि कहाँ तक जा रही है ग्राफ में, और नीचे वाली लाइन आपकी ग्राफ वाली होगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्पीड वाला, कि हम किस तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ में यहाँ पे नीचे टाइम दिया है सेकंड में 0, 2, 4 सेकंड, और ये जो दिया है ये हमें डिस्टेंस दिया है। स्पीड के लिए ऑलवेज डिस्टेंस, लेकिन अगर वेलोसिटी में देखा जाए टाइम, लेकिन ये क्या है, ये हमारा डिस्टेंस नहीं है। वेलोसिटी ऑलवेज रेफर करती है कि हम इस चीज को डिस्टेंस ना बोले, डिस्प्लेसमेंट बोले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती है तो वेलोसिटी में डायरेक्शन है। यहां पे टाइम और ऊपर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी अगर ऊपर होगी तभी आपका एक्सेलरेशन आएगा। तो मतलब ये ग्राफ की जो ये वाली लाइन है ये वेलोसिटी की लाइन है एक्सेलरेशन के लिए, ये वाली जो लाइन है ये है डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी के लिए, और ये वाली जो लाइन है वो है डिस्टेंस की, डिस्टेंस की। तो ये आपको याद रखना है, स्पीड के लिए डिस्टेंस वाली लाइन होनी चाहिए, मीटर वाली डिस्टेंस लिख देना, नहीं तो ग्राफ में तभी मार्क्स कटते हैं जब आप यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिखते हो। आपसे पूछा जाता है वेलोसिटी का बना दो, आपने ऐसे से बना दिया, हाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर बगल में लिखना भी पड़ेगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, इसके मार्क्स मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट लिखने के। वेलोसिटी बोल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन बोल रहे हो तो वेलोसिटी, नीचे टाइम सेम रहेगा, और स्पीड बोल रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा ग्राफ वाला, स्पीड का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को इस साइंस से दिखा सकते हैं। तो जब मैंने ये लिख दिया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जहां तक ये लाइन जा चुकी है उतना ठीक है, उससे हमें एक ऐसे नीचे ड्रॉ करना है ऐसे लाइन, सीधी लाइन, और जो ऐसे सीधी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी है यही सीधी लाइन हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है, यही सीधी लाइन जो मैंने ऐसे ड्रॉ करी है यही परपेंडिकुलर लाइन होती है, यही होती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन के जस्ट नीचे वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारी बेस। तो ये सिंपल सा है, आपने पाइथागोरस पढ़ ली होगी। तो 90 डिग्री वाली लाइन परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के नीचे वाली लाइन बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमें देखने की जा कहां तक रही है ऐसे सीधे वे में। तो सीधे वे में हमने यहां तक देखा कि यहां तक गई है, अब यहां पे कौन सा नंबर है, तो नंबर आपको देखना कहां है, नंबर आपको इधर देखना है, ये लाइन है तो नंबर ऐसे देखना है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के ही तो बराबर है, ये वाली लाइन जो ये वाली लाइन देख रहे हो ये इसी लाइन के तो बराबर है। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसको आपको यहां पे देखना है कि यहां तक कहां पे आ रही है। तो मुझे पता चला कि ये परपेंडिकुलर लाइन तो यहां तक आ रही है पूरा 20 तक, तो मतलब मुझे परपेंडिकुलर कितना देना है 20 मीटर, यहां तक आ रही है। अगर ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये लाइन यहां तक आ रही होती 15 तक, तो मैं 15 मीटर ले लेता, फिर ये नीचे आती 10 तो मैं 10 ले लेता, लेकिन इस पूरे टॉप पे कहां पे जा रही है, 20 तक जा रही है, तो मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लूंगा, 20। तो यहां पे हम लिखेंगे 20 लिख दिया, और यहां पे नीचे बेस कहां तक जा रहा है, जीरो से ट्रेवल करते करते कहां तक जा रहा है टाइम, तो जीरो से ट्रेवल करते करते जा रहा है 4 तक। ठीक है, तो नीचे लेंगे 4 और यहां पर डिवाइड करेंगे, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो यह आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड निकल गई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया और ये निकाल लिया। ऐसी सेम टू सेम यहां पे भी वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेलोसिटी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो ग्राफ के लिए तीनों फॉर्मूले सेम लगेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे नीचे, तो ये हमने ड्रॉ करी ऐसे ही नीचे ड्रॉ करी, तो ये हो गई हमारी ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन, और यहां से लेके यहां तक हमारा फिर क्या होगा, बेस होगा। अब ये परपेंडिकुलर लाइन जा कहां तक रही है वो देखना है, तो ये इधर से शुरू होके ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये 20 तक ही जा रही है, अभी भी 20 तक ही जा रही है, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या लेंगे 20, और बेस देखो अब कहां जा रहा है, 0 से 6 तक, तो हम क्या लेंगे बेस 6 लेंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका, अगर काटेंगे तो 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, फिर उसके बाद दोबारा से आपका 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर दोबारा वो 20 बन जाएगा, तो 6 × 3 = 18, फिर दोबारा से वो 20 बन जाएगा, तो इतना ठीक है, दो डिजिट निकाल ले करो, तो ये हो गया 3.3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, देखते हैं कहां तक जा रहा है, तो इसको भी हमने इस तरीके से बनाया नीचे, तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर और ये 20 तक जा रही है, ये आपकी 20 तक गई, ठीक है, और ये आपका बेस कहां तक जा रहा है 6 तक, तो ये दोबारा 6, तो ये वही केस बन गया 3.3। लेकिन जब भी एक्सेलरेशन निकालें तो याद रखना यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं होगी, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी आपके पास स्पीड निकालने को आए, वेलोसिटी निकालने को आए और एक्सेलरेशन निकालने को आए, तो तीनों फॉर्मूले में आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाना है, बस इतना सा काम करना है। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब बॉडी चल रही हो तो ग्राफ में बॉडी को चलने में कैसे निकाला जाता है, ओके। तो यहां पे जो हमारे पास ये ग्राफ है गिवन, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब बॉडी कितना चली है। अभी मैंने आपको बताया स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, लेकिन जब ये निकाल रहे हो तो इसमें आपको अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा। अब तीन कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, या तो पहली कैटेगरी ये हो गई, या तो दूसरी कैटेगरी ये हो गई, या तो तीसरी कैटेगरी ये हो गई। पहली कैटेगरी वाले ग्राफ को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल वाला ग्राफ, दूसरी कैटेगरी वाले ग्राफ को बोलते हैं रेक्ट एंगल वाला ग्राफ, रेक्टेंगल ग्राफ, और तीसरी कैटेगरी वाले ग्राफ को बोलते हैं ट्रेपिजियम ग्राफ। तो सबसे पहले आपको इन तीनों ग्राफ के, इन तीनों पैटर्न के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और ट्रेपिजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, एरिया निकाल लूंगा और उसी से मुझे पता चल जाएगा कि बॉडी कितना चली है। यहाँ पे भी एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और अप्लाई करके ये पता चल जाएगा बॉडी कितना चली है, और यहाँ पे भी सिमिलरली एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा और बॉडी कितना चली है उतना हमें पता चल जाएगा। तो ये सिंपली वे में हम ऐसे ग्राफ को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो मैं सातवां क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें मैं इन तीनों को मिक्स कर दूंगा, अभी मैं अलग अलग करके करा रहा हूँ, उसके बाद तीनों को मिक्स कर दूंगा, मतलब तीनों चीज़ आपको अलग अलग करके निकालनी पड़ेगी, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार ट्रेपिज़म के लिए, पूरे के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये हमें रेक्टेंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, अब बॉडी देखो चल कैसे रही है, ओ ए बी, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो डिस्टेंस को मैं एस से लिख देता हूं, ये तो क्लियर है, डिस्टेंस एस से लिखा जाता है या तो डी से लिखा जाता है। तो यहां पे मैंने हाफ लिखा, बेस देखो, तो जब भी मैंने ऐसे बात करी थी, अभी पीछे भी बात करी क्वेश्चनों में कि परपेंडिकुलर लाइन ये होती है, तो परपेंडिकुलर लाइन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो देखो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये बेस हो गया, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया, बेस हो गया, मतलब ओ से लेके बी तक बेस हो गया, ओ से लेके बी तक बेस। तो मैंने ओ बी लिख दिया, अभी वैल्यू डालेंगे, पहले ओ बी लिख दिया। हाइट क्या है, देखो कितना ऊपर तक गया, ये सीधी लाइन, ये हाइट हो जाएगी,
ये हाइट भी है परपेंडिकुलर भी है, हाइट भी बोल सकते हो परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। तो ये हाइट हो गई, तो हाइट का नाम क्या है, ए से लेके बी तक, तो यहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया। तो एस इक्वल टू हाफ, देखो ओ से लेके बी तक कैसे जा रहे हैं, ओ से लेके बी तक जीरो से शुरू कर रहे हैं, दो जा रहे हैं, दो से कहाँ जा रहे हैं चार, तो यहाँ पे ओ बी की वैल्यू फोर। और ए बी देखो, अब ए बी की वैल्यू कैसे देखें, तो ए बी यहाँ तक पहुँचे, ए बी यहाँ तक पहुँचे, तो कहाँ तक पहुँचे, पूरा टॉप तक, 20 तक, जीरो से शुरू हुआ, पाँच दस पंद्रह बीस तक पहुँचा। तो हमें हाइट का लेनी है 20 लेनी है 20, तो यहाँ पे हमने 20 ले लिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 1 2, 2 2 4 और 2 2 20 40 मीटर, मतलब यहाँ पे बॉडी कितना चली है 40 मीटर। कुछ नहीं करा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्या करा हमने, एरिया निकाल लिया। हमने देखा कि भैया डायग्राम राइट एंगल ट्रायंगल का है, एरिया निकाल लो तो बॉडी जितना चली है उतना निकल जाता है। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी लिखेंगे डिस्टेंस, कहाँ से लेके कहाँ तक, देखो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, तो ये हो गया ओ ए बी सी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या है, देखो ऐसे सीधा सीधे देखो, लेंथ का नाम क्या है, ओ सी, ओ सी, और ब्रेथ क्या हो गई, ब्रेथ बी सी हो गई। तो एस इक्वल टू ओ से लेके सी तक कितनी दूरी, दो तक गए, चार तक गए, छः पे आ गए, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। बी सी, और बी सी को यहाँ पे देखना है कितना जा रहा है टॉप तक, 20, तो ये आ जाएगा आपका 120 मीटर। कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लगाया रेक्टेंगल का, और इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भी वही चीज, डिस्टेंस कितना, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब मुझे पूरा निकालना है, ये पूरा हिस्सा निकालना है, ये पूरा हिस्सा मुझे ऐसे निकालना है। तो जब पूरे हिस्से का मुझे एरिया निकालना है तो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम लगाना है। ये ट्रेपिजियम होता है, ये क्या होता है, ट्रेपिजियम। तो हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम। तो यहाँ पे लगाया हमने हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। डिस्टेंस को ऐसे लिख दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन सी है, जो पैरेलल जा रही है, जो ऐसे चलती हैं, एक ऐसे तो एक ऐसे, या ऐसे पैरेलल जा रही हो, बस एक दूसरे के पैरेलल ऐसे, ये जा रही है, ये जा रही है, तो कहाँ दिख रही है आपको, देखो एक दिख रही है ऐसे सीधी जाती हुई ए बी, और एक ऐसे दिख रही होगी ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक, देखो ये पैरेलल जा रही है, ये पैरेलल गई ऐसे ए बी और ओ सी, ए बी ओ सी, ये इस तरीके से पैरेलल जा रही है। तो अब ए बी हो गई पैरेलल, और सम बोला है तो सम मतलब प्लस, और ओ से लेके सी, ओ से लेके सी, और हाइट क्या हो गई, तो हाइट हम अपने तरीके से लेते हैं। तो हाइट के लिए हम कुछ ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ, हमें तो हाइट लेनी है। तो हाइट के लिए मुझे कुछ नया नाम मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ई, ए ई, तो ये हो गई मेरी हाइट ए ई। तो जब भी पैरेलल साइड की बात होगी तो पैरेलल साइड ऐसे हो गई ए बी ओ सी, और जब भी हाइट की बात होगी तो क्या मान लिया, ए ई मान लिया। तो यहाँ पे एस इक्वल टू हाफ, ए बी कितना है, ए से लेके बी तक। अब देखो ए और बी जो है, ए और बी जो है, तो उसकी वैल्यू हम क्या रखें, ए और बी जो है तो उसकी वैल्यू हम क्या रखें, तो ए पर आ जाओ नीचे 4, और बी क्या है हमारा, बी है हमारा 8, ए है हमारा 4, बी है हमारा 8। दोबारा देखो, ए है 4 नीचे ये 4, और बी है 8। तो जब दोनों तरफ नंबर हो, अभी तो 0 0 से मैं पूरा इस तरीके से मैंने ले लिया था, 0 से 4 लिया तो यहाँ पे 4 आ गया, 0 से 6 लिया तो यहाँ पे मेरे पास 6 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें वैल्यू लेनी है। तो जो ए है वो फोर पर है, और जो बी है वो कहाँ पर है, 8 पर है, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होता है, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होता है। तो डिफरेंस के लिए क्या करना है, 8 में से 4 को माइनस करना है, 8 में से 4 को क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 4,
अच्छा ओ सी, ओ को देखो सी को देखो, ओ तो जीरो से ही शुरू हो रहा है ना आपका, ओ तो आपका जीरो से ही शुरू हो रहा है और सी कहाँ तक जा रहा है, ट्वेल्व तक। तो यहाँ पे जीरो में से ट्वेल्व गया तो यहाँ पे हम ट्वेल्व लेंगे। तो सिंपल है ये, ये जो ए और बी था तो ए फोर से शुरू हो रहा था और बी कहाँ से शुरू हो रहा है, एट से शुरू हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना लिया, फोर। और यहाँ पे ओ और सी जब लिया मैंने तो ओ तो जीरो से ही शुरू हो रहा है ना, तो जीरो से कहाँ तक जा रहे हैं, बारह तक, तो हमने क्या ले लिया, ट्वेल्व। अच्छा ए ई की दूरी देखो, ए ई, ए से लेके ई तक ये वाली लाइन कहाँ तक जा रही है, ये ऐसे कहाँ तक गई, ये गई ट्वेंटी तक, कहाँ तक गई ट्वेंटी तक, तो यहाँ पे हम ए ई को ट्वेंटी ले लेंगे। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो एस इक्वल टू हाफ सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी, ये कटा टेन सिक्स जा, टेन सिक्सटीन जा 160 मीटर, ये भी आपका 160 मीटर है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। तो ये बेसिक है ग्राफ का जो आपको आना चाहिए, ये बेसिक है ग्राफ का जो आपको आना चाहिए, और बाकी जो बात है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, जब भी डिस्टेंस निकालना हो आपको और राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगाना है। जब भी डिस्टेंस निकालना हो रेक्टेंगल में तो रेक्टेंगल के लिए ऑलवेज क्या लगाना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और जब भी पूरा डिस्टेंस निकालना हो ऐसा करके कुछ आ गया तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ वो तीनों को मिक्स करने वाला हूँ अब। तो अभी मैंने पार्ट तोड़ तोड़ के कराए थे, अब मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऐसे बनाऊँगा, फिर मैं दोबारा बोलूँगा ओ ए, इसको बी मान लेंगे कि ओ ए बी निकालो, फिर मैं बोलूँगा कि बस इतना हिस्सा निकालना है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये हो गया। देखो इतना हिस्सा निकालने को बोलूँगा तो ये हिस्सा ये है ना आपका, तो ये निकल जाएगा इतना हिस्सा अगर निकालने को बोलेंगे। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा हो गया, फिर ये वाला हिस्सा जो हो गया ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही है आपका, लेकिन उल्टे तरीके से बनाए। तो मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, और इसको कर लेना क्योंकि तोड़ तोड़ के मैंने आपको सिखा दिया है, तो अब आप कर सकते हो इसे। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन है। तो पुराने वाले जो अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें मैंने आपको तीन कैटेगरी में अलग अलग करके सिखाया था कि किस तरीके से करना है, तो इसमें भी वैसे ही करना है, लेकिन तीन कैटेगरी को अलग अलग करके ही करना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मेनली अगर टोटल डिस्टेंस आया, मेनली अगर टोटल डिस्टेंस आया तो सीधा पूरा ट्रेपेजियम को सॉल्व कर देना और टोटल डिस्टेंस दिखा देना। लेकिन अगर तोड़ तोड़ के करना है तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस ट्रेवल ओ ए बी, ओ ए बी, अब ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे और इस हिस्से को सॉल्व कर दोगे कि यहां पे कितना मीटर चला। अगर तुमसे पूछे ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, तो तुम ये वाला हिस्सा निकालोगे, ये वाला हिस्सा, और राइट एंगल का फॉर्मूला लगा के बता दोगे कि इतने हिस्से में बॉडी कितना चली है। फिर उसके बाद दोबारा से अगर बी सी ई बोल देता तो दोबारा से राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के ये कर देते। और देखो लास्ट में क्या पूछा, टोटल डिस्टेंस, तो जब भी टोटल डिस्टेंस पूछ लिया तो पूरा निकाल देना है, पूरा आपको ट्रेपेजियम का निकाल देना है। तो सबसे पहले आप पॉज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपने करा होगा, तो पहले मैं करता हूँ इसे और देखते हैं कि आपका आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ओ ए बी का, ओ ए बी, तो क्या लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस क्या हो गया, तो ओ ए बी लेना है बस, ये पूरा हिस्सा छोड़ देना है, यहां से जीरो से लेके दो तक लेना है बस, ओ से लेके दो तक, तो यहां पे ओ से लेके टू तक ये जा रहा है, तो आपका बेस क्या हो गया, ओ बी, ओ से लेके बी तक देखो, और हाइट क्या हो गई, हाइट ले ली ए बी, तो यहां पर एस इक्वल टू हाफ ओ से लेके बी तक कितना गया, जीरो से ले टू तक, जीरो में से दो गया दो, और ए बी कितना हो गया आपका टेन, तो टू से टू कैंसिल और आपका आ गया टेन मीटर, मतलब यहां पे ओ ए बी में आपका टेन मीटर चलाइए। नेक्स्ट ए बी सी डी, ए बी सी डी में देखते हैं, ए बी सी डी, तो इन वाले हिस्से को भूल जाना है और बीच वाले हिस्से पे फोकस करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर रेक्टेंगल है, ये क्या हिस्सा है, रेक्टेंगल का हिस्सा है। तो अगर रेक्टेंगल का हिस्सा है तो एस इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एस इक्वल टू लेंथ कितनी है, बी से लेके सी तक, ठीक है,
ये वाला हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा नहीं, बस ये वाला हिस्सा बीच वाला, बी से लेके सी तक। तो लेंथ है बी से लेके सी तक। ब्रेथ या तो बीसी को डीसी को मान लो, डीसी को मान लो, या तो ए बी को मान लो। तो ए बी को मान लेते हैं। तो देखो बी, अब दोबारा से वही बात आ गई, बी नंबर दो और सी नंबर छः, तो यहाँ पे दोनों तरफ नंबर आ रहे हैं, हर पॉइंट पे नंबर आ रहे हैं, तो नंबर का डिफरेंस लेते हैं। तो छः में से दो गया, कितना बचा, छः में से दो चार, तो यहाँ पे हम बी सी को फोर लेंगे, और ए बी क्या लेना है, ए बी पूरा दोबारा से टेन लेना। तो यहाँ पे ये चला है 40 मीटर, मतलब इस बीच के एरिया में कितना चला है, 40 मीटर। अगर आप इसका निकालोगे तो इसका भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, पहले क्वेश्चन में नहीं दिया था पर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसका निकालूँ डी सी ई, डी सी ई, तो दोबारा से क्या लगाना है, एस इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना, इस वाले में बेस देखो, नीचे वाला बेस। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है, 6, यहाँ पे भी पॉइंट क्या आ रहा है, 8, 8 में से 6 गया, 2 डिफरेंस लेने हैं, और हाइट क्या लेनी है, हाइट ये ले ली, ये यहाँ तक जा रही है तो 10 है, तो काटा आपने और ये 10 मीटर, ठीक है। अब पूरा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के लिए एरिया ऑफ ट्रेपिजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, पैरेलल साइड मैंने बताया था ऐसे में लेना है और नीचे वाला हिस्सा लेना है। तो ऐसे में जब ये ले रहे हो तो ये क्या है AD, ये क्या है AD, ऐसे ये लाइन, और दूसरा कौन सा है O से लेके E तक, O से लेके E तक। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गई, ADOE, AD प्लस OE, और हाइट क्या हो गई, हाइट को इसे मान लो AB मान लो या तो DC मान लो, तो इस बार DC मान लेते हैं, तो DC, तो यहाँ पे हो गया हाफ AD। देखो A आया नीचे दो नंबर पे, D आया नीचे 6 नंबर पे, तो 6 में से आप 2 को माइनस करोगे तो 4, और O तो मतलब 0 से ही शुरू हो रहा है, E तक जा रहा है तो 8 तक, तो यहाँ पे 8, और DC कितना है, DC है हमारा 10, तो ये 10 हो गया। तो ये हो गया S इक्वल टू हाफ 12 10, ये कटेगा 5, और 12 5 जो 60 मीटर, ये आपका 60 मीटर आ गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस के लिए ये कर सकते हैं, अलग अलग पूछा है तो वो कर सकते हैं। और ख़ास बात एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी पूछ लिया कि भैया ग्राफ में मोशन बताओ, ग्राफ में मोशन बताओ, तो ग्राफ की ये वाली लाइन ओ ए का मोशन बताओ, तो ओ ए का मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में से जा रही है। अब ए डी का बताओ, तो ए डी का है कांस्टेंट, ऐसी लाइन को हम कांस्टेंट बोलते हैं। नीचे वाला बताओ, तो नीचे वाला भी क्या है यूनिफॉर्म मोशन, नीचे ऐसे कर्व में होता है तो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि ग्राफ के आपको आ गए होंगे। तो स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपन बेस लगाना है, और जब भी बॉडी को चलते हुए दिखाना है तो ग्राफ में एरिया निकालना है, और तीन फॉर्मूले के ऊपर एरिया निकाला जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, थैंक यू।